आ जाओ क्या 17 सेकंड टू वाले को तो समझ नहीं आया। हां सेकंड टू वाले को समझ नहीं आया। नहीं आएगा नहीं आएगा आएगी
तो आप पूछोगे कितनी सैलरी, अगेन नंबर्स, अगर आप बोलोगे कितने साल का हमारा ट्रेनिंग पीरियड है, ये 1 ईयर है, तो अगेन सम नंबर्स। तो उसी तरह से हर चीज जो है इंजीनियरिंग फेनोमेना, समथिंग इज चेंजिंग। अगर हम इंजीनियरिंग कोई सिस्टम पे स्टडी कर रहे हैं, जो डिजाइन कर रहे हैं, एक फैन भी है, तो समथिंग इज इन मोशन, समथिंग इज चेंजिंग। सो द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस डील विद द चेंज, रेट ऑफ चेंज एंड द इक्वेशन, जिसमें कि ये रेट ऑफ चेंजेस को हम एक इसमें बांध सके, एक इक्वेशन में बांध दें, दो इक्वेशन में बांध दें, इट बिकम अ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द dx / dt। तो फेस वैल्यू देख के बता देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेट एक ही है हर मैथमेटिक्स का, ध्यान देना इस चीज को। x स्क्वायर प्लस x प्लस समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू समथिंग मान लो y। अब मैं देख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू y, ये बन गया अल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर मैं यहाँ a के बाद यहाँ b स्क्वायर x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोई हार्डवेयर डिजाइन कर लो, डिजाइन करने के बाद कई बार फेल करें,
तो आप कॉस्ट टाइम लेबर ये सब वेस्ट होगा। तो हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं क्योंकि हम जो है वो पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस तरह का रजिस्टर हो, इस तरह का इंडक्टर हो, या इस तरह का मास हो, इस तरह का स्प्रिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए इस तरह के रिस्पॉन्स के लिए। तो हम डिजायर्ड रिस्पॉन्स के लिए मैथमेटिक्स लगा के एक सिस्टम को डिजाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं। जब सब कुछ रिजल्ट पेज पे सही आता है तब सिमुलेट करते हैं, जब सिमुलेशन इन्वायरमेंट सक्सेसफुल रन हो जाता है तब हम हार्डवेयर की तरफ जाते हैं। उससे क्या होता है, समय की बचत, पैसे की बचत, सब कुछ की बचत होगी। दैट इज द पर्पस। सेफ्टी भी है, आप कुछ गलती नहीं करोगे डिजाइन में, नहीं आपको अगर गलत ब्लोन हो गया कोई फ्यूजर कैप्चर पड़ जाए अगर आपने गलत वैल्यू लगा दिया, ये सब चीज़ें आप जो है पहले से कम मिनिमाइज कर सकते हैं। सो ये आपका जो पर्पस है, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है ब्लॉक डायग्राम का। देखिए ब्लॉक डायग्राम अभी आपको दिख दिया गया सिलेबस में प्लस, बट ब्लॉक डायग्राम इतना दूर तक कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है। हाफ पार्ट इज ब्लॉक डायग्राम इंट्रोडक्शन। ब्लॉक डायग्राम तीन तरीके का सिस्टम को और समझ होती है, एक है ब्लॉक डायग्राम, दूसरा है ट्रांसफर फंक्शन, तीसरा है सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होते तो बीटेक में ये भी पढ़ाया जाता और इसके बारे में डिटेल स्टडी करो, लेकिन एक्चुअली हम इस पर सिर्फ फोकस करते हैं। हम लोग आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और टेस्ट नहीं पूछा जा रहा, तो हम सिर्फ ब्लॉक डायग्राम का यूज करते हैं एज अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। है ना, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई कंट्रोल सिस्टम को दिखाना है तो ब्लॉक डायग्राम से दिखाना जो है आसान है। ट्रांसफॉर्मर है तो दो तरह से दिखा रहे हैं, बाकी ऐसे सिंपल अगर बात कर रहे हैं बाकी नीचे अपनी भी ट्रांसफॉर्मर है ना, ये चीज़ है। इसमें आपको डीसी पावर सप्लाई की बात करते हैं, या तो मैं एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम बना, फिर ब्लॉक डायग्राम बना दो, ट्रांसफॉर्मर देखो एक सप्लाई ले लो, सप्लाई को जो है ट्रांसफॉर्मर में फीड कर दो, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से एक रेक्टिफायर में आ जाएगा, ये रेक्टिफायर के बाद यहाँ फिल्टर लगा दो, फिल्टर के बाद यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर लगा दो और यहाँ लोड को सप्लाई दो। ठीक है, मैं अभी डिटेल पे नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मैं बार बार उस डायग्राम को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे यूज़ नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक्सप्रेस आउट करना है। तो ब्लॉक डायग्राम वहाँ यूज़ करते हैं, आप कहीं जाते हो किसी दोस्त को रास्ता बताते हो करता तो भी आप यूज़ करते हो, आप देखो ऐसा रोड होगी, इधर इसकी दुकान होगी, इधर स्कूल होगा, इधर हॉस्पिटल होगा, इधर चर्च होगा, इधर ऐसे करके आप बताते हो, यूज़ क्या कर रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका, इसलिए इसलिए अगर ब्लॉक डायग्राम को भी इस्तेमाल नहीं करता, फोकस करना है ट्रांसफर फंक्शन पे, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना आना चाहिए और उसके बाद हमें सॉल्व करना, क्योंकि प्रोसेस यही है। कोई भी फिजिकल सिस्टम है, कोई भी फिजिकल सिस्टम है उसका आप एक फिजिकल मॉडल बनाते हैं, फिर उसका आप एक सर्किट मॉडल बनाते हैं, सर्किट मॉडल के बाद आप उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, और फाइनली आप उस मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं, है ना। तो ये एनालिसिस है, दिस इज द जर्नी ऑफ एनालिसिस कैसे करते हैं और डिजाइन करने के लिए करते हैं, आप टारगेट रखते हैं और टारगेट के साथ आपके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, फाइनली आप देखते हैं फिजिकल मॉडल बना। तो ये डिजाइन का पाथ होना चाहिए। जब तक हम एनालिसिस नहीं सीखेंगे हम डिजाइन तक नहीं जाएंगे, याद रखिए। चाहे आप छोटा एनालिसिस सीखिए, उसके ऊपर एक छोटा डिजाइन करें, फिर उसके बाद अगला स्टेज में फिर छोटा एनालिसिस करें, सेकंड स्टेज का फिर सेकंड स्टेज का डिजाइन करें, इस तरह से आप एनालिसिस डिजाइन से डिजाइन करके ऊपर चढ़ सकते हैं, या फिर पहले पूरा पूरा एनालिसिस सीख लें और फिर उसके हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग करें, फिर आपको एक समय के बाद समझ में आने लगेगा वो नई चीज पे काम कैसे करना है ना, तो डिफरेंट है। सो ये हो गया आपका समरी, ठीक है, ये समरी हो गई है ना। अब डेफिनेशन पे आ गए हैं, ठीक
तो मुझे क्या दिक्कत हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है इसको सॉल्व करने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसका शक्ल बदलता हूँ। ऑल आई एम इज चेंजिंग द मैथमेटिकल फेस ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहाँ हम जो है यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिग्नल का भी शक्ल चेंज करेगा, सिस्टम का भी शक्ल चेंज करेगा। ठीक है, सिग्नल का भी शक्ल चेंज करेगा, सिस्टम का भी शक्ल चेंज। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ मेथड टू चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन या एनी मैथमेटिकल मॉडल रिटन इन टाइम डोमेन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, या हम कोई बोलते हैं एस डोमेन। तो मेरा कहना है किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को, किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को या सिग्नल को, यानी सिस्टम और सिग्नल को जो कि टाइम डोमेन में लिखा गया है, उसको हम एस डोमेन में लिखते हैं अप्लाई लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और जो मैथमेटिशियन थे पाई डी सेमा लाप्लेस, उन्होंने एक एक्सप्रेस आउट किया कि अगर कोई फंक्शन एफ इज अ फंक्शन ऑफ टी, एफ इज अ फंक्शन ऑफ टी नहीं एफ टी पे निर्भर है, वो मैं अगर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा तो उन्होंने चीज दी, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक अलग शक्ल वाले फंक्शन, डिफरेंट फेस वैल्यू।